नमस्कार, मैं हूं सुप्रिया सिंह। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। दिल्ली के लक्ष्मी नगर से गिरफ्तार पाकिस्तानी आतंकी मोहम्मद अशरफ पूछताछ में कर रहा है बड़े खुलासे। उसने बताया कि ISI ने उसे त्योहारी सीजन के दौरान आतंकी वारदात का जिम्मा सौंपा था। उसके पास से बरामद हथियारों और गोला बारूद का इंतजाम पाकिस्तानी हैंडलर ने कराया था। आतंकी लोन वुल्फ अटैक यानी अकेले ही किसी भीड़ वाली जगह पर खून खराबा करने की फिराक में था। 2011 में दिल्ली हाई कोर्ट के सामने हुए बम धमाकों में भी शामिल था अशरफ। पुलिस जांच में जुटी है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की टीमों ने दिल्ली सरकार के एंटी डस्ट कैंपेन के तहत अब तक 522 अलग अलग कंस्ट्रक्शन साइट्स का दौरा किया। इस दौरान 165 निर्माण स्थलों पर अनियमितता पाई गई, जिसके बाद विभाग ने नोटिस जारी कर करीब 53 लाख का जुर्माना लगाया है। सर्दियों में प्रदूषण कम करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 10 पॉइंट का विंटर एक्शन प्लान बनाया था, जिसमें डस्ट यानी धूल उड़ने से होने वाले प्रदूषण को रोकना एक अहम पॉइंट है। दिल्ली NCR में फिर बढ़े CNG और PNG के दाम। पेट्रोल डीजल की मार के बीच अब ऑटो टैक्सी कैब सेवा भी महंगे होने के आसार। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने CNG और PNG की नई कीमतों में इस बढ़ोतरी की घोषणा की है। IGL के नए बदलावों के अनुसार दिल्ली में CNG की कीमत 49.76 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है, वहीं PNG 35.11 रुपये पर SCM पर उपलब्ध होगी। राजधानी दिल्ली में लगातार तीसरे दिन कोरोना से किसी भी मरीज की नहीं हुई मौत। बीते 24 घंटे में 65,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद सामने आए 31 नए मामले, 58 मरीज हुए डिस्चार्ज। दिल्ली में कुल एक्टिव केसों की संख्या 338। दिल्ली में छठ पूजा को लेकर राजनीति जारी। उत्तर पूर्वी दिल्ली से BJP के सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर कहा, मुझे बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आप लगातार हिंदुओं की भावनाओं को उनके पर्व त्योहार पर उनको ठेस पहुंचाने का काम करते आ रहे हैं। छठ मात्र पूर्वांचलियों का त्यौहार ही नहीं बल्कि भारत की एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का अभिन्न अंग है। दिल्ली सरकार के मंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपाल राय ने छठ पूजा पर BJP की ओर से खुले में पूजा कराने की मांग को लेकर कहा, छठ पूजा पर राजनीति चल रही है। गोपाल राय ने केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी करने को लेकर भी सवाल किया। राय ने कहा, बीते साल कोरोना के चलते केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार छठ पूजा की अनुमति नहीं दी गई थी। इस साल उसी को देखते हुए DDMA ने यह निर्णय लिया है, लेकिन BJP छठ पूजा को लेकर राजनीति करने की कोशिश कर रही है। अब QR कोड वाले ड्राइविंग लाइसेंस जारी करेगी दिल्ली सरकार। एक क्लिक में मिलेगी चालान की पूरी जानकारी। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने बताया, इस QR कोड सिस्टम में ड्राइवर के पिछले 10 साल के कामकाज, चालान और अन्य शिकायतों की पूरी जानकारी के साथ ही ड्राइवर के ब्लड ग्रुप की जानकारी भी होगी। इससे किसी दुर्घटना होने के समय ड्राइवर को तत्काल मदद पहुंचाई जा सकेगी। यह तकनीक अपने आप में एक नए युग की शुरुआत बताई जा रही है। कोरोना टीकाकरण को लेकर एक हैरानी भरा मामला दिल्ली में सामने आया है। यहाँ के एक वकील को वैक्सीन की दूसरी खुराक मंगलवार को लगनी थी, लेकिन जब वो टीकाकरण केंद्र पहुंची तो पता चला कि वैक्सीन की यह खुराक उन्हें लग चुकी है। स्वास्थ्य कर्मचारियों से पूछने पर पता चला कि वैक्सीन की दूसरी डोज उत्तर प्रदेश के बहराइच में किसी दूसरे शख्स को लग चुकी है। इसके बाद उन्होंने शिकायत दर्ज कराई, लेकिन वैक्सीन की दूसरी खुराक उन्हें नहीं लग पाई। फ्लैट देखने के बहाने उत्तर प्रदेश के रियल लाइफ बंटी बबली दिल्ली के बिल्डर के लिए उड़े कार। लाजपत नगर इलाके में फ्लैट देखने के बहाने आए इस कपल ने प्रॉपर्टी डीलर की कार चोरी कर ली। मामले की शिकायत पुलिस में की गई। इसके बाद पुलिस ने उनके मोबाइल फोन की सर्विलेंस से दोनों को पकड़ लिया। उनके पास से चोरी की दो और कारें बरामद की गई हैं। अगले 3 दिन में कम होगा राजधानी दिल्ली का तापमान। रात को हल्की सर्दी का एहसास होगा, वहीं हफ्ते के अंत में हल्की बारिश होने की संभावना है। सुबह हल्का कोहरा छाया रह सकता है, वहीं दिन में तेज धूप के कारण उमस भरी गर्मी का दौर जारी रहेगा। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी बाकी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।